भाई यार यहाँ पे लगा हुआ था नाका, जो यहाँ पे गाड़ी रोकी हमारी। ये लो जी यहाँ पे गाड़ी का पुट्ठी, कौन सी मारुति 800 है ना, अंदर अंदर ही शिट यार, एम्बुलेंस को बुला। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ पे रेस्ट हाउस बुक करा PWD का, तो भाई रेस्ट हाउस देख के ना आप भी हैरान रह जाओगे, इतना अति सुंदर बना हुआ है कि ये रेस्ट हाउस मैंने जो है फोटोज में देखा था गूगल पे, ठीक है। तो मेरी इच्छा थी और तमन्ना थी दिल से, तो भगवान जी ने मेरी एक इच्छा तो पूरी कर दी, बाकी और भी बहुत सी इच्छाएं हैं। परमात्मा सारी इच्छाओं को मेरी पूरे कर दो, सारी तो कहाँ ही होगी, चलो बाकी मेहनत करेंगे तो हम आगे बहुत बढ़ेंगे। 10,000 सब्सक्राइबर करवा देना। रेस्ट हाउस देखो PWD का कितना सुंदर बना, मेरे को लग नहीं रहा होगा कि पूरे हिमाचल में इससे सुंदर रेस्ट हाउस होगा, होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना यार। ये देखो भाई रेस्ट हाउस, यहाँ से एंट्री ऐसे गोल धारा घुमा के गाड़ी हमारी वो रहेगी, आधा सामान हम ले गए थे, आधा थोड़ा बहुत है गाड़ी में वो भी ले चलेंगे। यही आप रेस्ट हाउस में एंट्री करोगे तो आपको एक गार्डन मिल जाएगा बहुत ही अति सुंदर, और इसकी बैक साइड पे जो है किन्नर कैलाश की पहाड़ियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। भगवान हमारा पूरा साथ दे। भाई रेस्ट हाउस कैसा लगा भाई? एक नंबर भाई, दिल खुश हो गया यार, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे रेस्ट हाउस में रुक रहा हूँ। वैसे भी रुका हूँ बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे, बट इसकी कुछ अलग ही बात है यार। अपने कदमों के साथ तो यहाँ से है गेट की एंट्री अंदर। लो जी बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है रूम, है ना, तो रूम से भी जो है सामने वाली किन्नर कैलाश जहाँ पे शिला है तो वो पहाड़ी भी दिखाई देती है। हाँ हवा तो ठीक है यार, ठंडी ठंडी स्ट्रगली है, स्ट्रगली ये हम दिखाते नहीं। ये देखो बैग, बाकी सारा सामान तो भाई अंदर रख दिया हुआ है। चाबी भाई, चाबी चाबी महल की चाबी, चाबी यहाँ यहाँ है, खोलो। लो जी खुल जा सिम सिम लिए जी। तो ये है कुछ रूम हमारा, बहुत ही सुंदर और शानदार। तो ऐसा है रूम यार, ये नहीं चल रहा बस, बाकी तो ठीक है। यहाँ पे आपको अलमारी मिल जाएगी। ओ शिट बंद है ये इसमें रजाइयाँ रजुइयाँ कंबल वंबल सब कुछ पड़ा हुआ मिल जाएगा। ये मिरर, ये रहा मिरर, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था, टेबल वेबल है पार्टी पुर्टी करनी हो किसी ने वो, बाकी ये रहा वॉशरूम जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मैं यहाँ से ना सामने वाली पहाड़ी का व्यू दिखाता हूँ। बाकी आपको रूम कैसा लगा, रूम टूर मैंने दे दिया साथ साथ में ही, कमेंट में बता देना यार। तो ये विंडो खुल गई, बहुत बड़ी विंडो है यार, बट यहाँ से पहाड़ी तो दिखाई दे रही है, शिला दिखाई नहीं दे रही। हाँ जी, तो भाई यार कपड़े कुपड़े हो गए चेंज, बाकी यार ये थोड़ा इग्नोर करना, आपको पता है हमें थोड़ा गंद डालने की आदत है। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे भाई कल्पा। कल्पा भाई लग कैसा रहा तुम्हारा भाई, एक बार कमेंट में जरूर बताना। नए नए कपड़े भाई, मैं 3 बैग भर के लाया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ सारा फोटो शूट सारी रीले रूले यहीं बना के पूरा बैकअप लेके चलूँ अपने साथ घर। कल्पा घूमते हैं, मैं फर्स्ट टाइम PU आया हूँ। भाई ने, भाई तो 2015 में कि 5 साल पहले 2015 में गया, जब तो भाई स्कूल में पढ़ता था, हमें आज मौका मिला, चलो ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। अगर आपको कहीं जाने का मौका मिले तो उसको गवाइए मत, जिंदगी बहुत ज़्यादा छोटी है, पैसा कमाओ मौज काटो। हैंड फोन तो आपको नहीं मिलेंगे। और हमारा रूम है ना, वहाँ से बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ, जैसे आप बाहर वाली तरफ आओगे जहाँ पे एंट्री है, तो ऐसा है कुछ नज़ारा बाहर। वेदर भाई ऑसम हो गया, सामने वाली पहाड़ी का व्यू देखो एक बारी। यहाँ से टर्न लेंगे हम कल्पा के लिए। शुक्र है भाई मैं तो जैकेट डाल के आ गया, तो हल्की हल्की ठंड लगना शुरू हो रही है यहाँ पे। बाकी सामने वाली पहाड़ी का व्यू चेक करो आप, ये रहा ग्लेशियर शिला भोलेनाथ जी की। हाइट पे हम बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसके कारण जो है धुंध पड़ी हुई है, बादल बादल हुए हुए हैं। मौसम का तो यार कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे, एक मिनट में कुछ है। अब एक कल्पा में आगे सुसाइड पॉइंट है, रोगी जगह है, तो 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। मैंने सोचा चलो वहाँ भी जा ही आते हैं, क्योंकि बार बार ऐसे मौके मिलते नहीं हैं। सीट बेल्ट का आप जरूर प्रयोग करें, मैं भी लगा रहा हूँ।
एक चलान हो गया बस पिछले मोड़ पे हमने सीट बेल्ट निकाली और अगले में धमाका हुआ। बिल्कुल भाई, क्या ही बोल सकते हैं। जो पुलिस वाला बंदा था, देखो बात उन्होंने ठीक अच्छे से करी, ऐसा कुछ नहीं है, रिस्पेक्टेबल, बट उन्होंने भाई प्यार प्यार में ही ले ली। ले ली नहीं भाई, भाई जी उन्होंने पैसे ले लिए, पैसे ले लिए उन्होंने, 1000 का चलान कट गया। अभी बात करने का मौका तक नहीं मिला, मैं परे को था तब को भाई वो प्यार प्यार में भाई आकर्षित कर लिया भाई को उन्होंने अपनी तरफ, मोह लिया भाई को पुलिस वाले ने। और भाई भाई और एंड पे पता क्या बोले कि भाई यहाँ भुगतना की कोर्ट में, बोले ये क्या सीन हो गया। तब को मैं कि वो बात करने का मौका ही नहीं मिला, बात करने का मौका मिलता, चलो कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो काम है, सरकार के खाते में जा रहा है पैसा, कोई ऐसा है हमारे पास प्रूफ है भाई, हम भी डोनेट कर रहे हैं कहीं कुछ। ये देख लो भाई झरने बह रहे हैं यहाँ पे हर एक मोड़ पे। तो सेब के बगीचे है ना जी, तो जो बागवान है वो जैसे नालियां बनाई होती है बरसात के लिए जो पानी इनमें आता है। अच्छा, बाकी कईयों ने ये जैसे टैंक वगैरह लगाए होते हैं बगीचों के पास, तब भी ये नालियां पानी होता है स्टोर होता है। अच्छा, सेब का तो बहुत ज्यादा बिजनेस है यहाँ पे, लोगों का बिजनेस सेबों का ही है, तो रोजगार है यहाँ के लोगों के पास। बट एक बात बोलू मैं आपको, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा जिनको आप बोल सकते हैं, और हेल्पफुल भी है, हेल्पफुल भी है। अब रास्ते में हमने जैसे मान लो गाड़ी का थोड़ा इशू चला था, तो उन्होंने मतलब ऐसे चेक करी गाड़ी और भाई अब पैसे देते रहे नहीं लिए, तो जो नेगी साहब लोग हैं यहाँ के भाई दिल खुश हो गया, क्योंकि इतने छोटे से काम का भी लोग भाई 100, 200, 300, 400 रुपए। एक बात बताऊं, मैं हूँ तो ऐसे लोअर हिमाचल से, पर अपर हिमाचल के लोग बहुत अच्छे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे जो बचपन है वो बीता हुआ है अपर हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जी जी राजगढ़ में, आपको पता ही है। हाँ जी, हाँ बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, रिस्पेक्ट। अगर आप उनके घर में चले जाओगे वो ऐसा सोचेंगे भी पता नहीं कौन आ गया हूँ वहाँ, उनके लिए हम बेस्ट करें, अपने आप नहीं उतना अच्छा करेंगे, बिल्कुल, पर दूसरों के लिए बेस्ट, सबसे बेस्ट रहेंगे। बिल्कुल सही की निर्लाश की, दर्शन पूरे है मेरे बढ़िया से ना। हाँ भाई, भाई रास्ता देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का सीन चला हुआ है और हम घर बैठ के मूवी देख रहे हैं। गोरे 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 भी पहुंच गए यहाँ पे भाई, बहुत ज्यादा हाइट पे है भाई इस टाइम। अभी आने वाला है सुसाइड पॉइंट, बस थोड़ा वेट करो, मेरे को लग रहा है यहाँ गाड़ी बजी होगी इस पॉइंट पे, है ना। ओ भाई, ओ भाई, इस पॉइंट पे इतनी हाइट है यहाँ पे, और हमारी एक अकेली लौती गाड़ी है, मैंने जिंदगी में इतनी हाइट नहीं देखी, आप खुद चकरा जाओगे। और जितने आपने हाइटें हुईटे पीछे देखी है ना कि मैं दिखा रहा था आपको, वो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं जिस हाइट पे अभी हम खड़े हैं। हमारी देखो आप हाइट देखो यार कितनी है, वो था रास्ता जिन जिन रास्तों से हम ऊपर आए हैं, बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ पे। ये देखो फुल जूम आउट कर दिया मैंने, और किन्नर कैलाश की पहाड़ियाँ वो रही सामने, रोड बिल्कुल सुनसान है ये, और ये ढांक आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी वो आगे तक। गाड़ियाँ देखो कितनी कितनी लग रही भाई, गाड़ियाँ तो असल है कीड़े मकोड़े भाग रहे रोड पे। जो ये रिवर नीचे बह रही है ना, तो तिब्बत में मानसरोवर जगह है, तो वहाँ से निकलती है, और जो हमारे इंडिया में जैसे ये एंटर होती है तो ये सतलुज रिवर के नाम से जानी जाती है ये वाली रिवर। तो देख लो भाई चाइना से आ रही है ये, और आगे चाइना बॉर्डर भी लगता है, जिस बॉर्डर एरिया ये सारा, आर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर आप ड्रोन वगैरह भी उड़ा रहे हो तो नहीं उड़ा सकते, बाकी कुछ मूवियों की शूटिंग शाटिंग है वो भी इन पॉइंटों पे कोई भी नहीं कर पाता, ना किसी को परमिशन दी जाती है, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी होगा कोई भी होगा तो इन इलाकों में जो ये एरिया है रिकांगपियो वाले, तो इन एरिया में भाई किसी को भी परमिशन नहीं दी जाती। हाँ जी, अभी सुसाइड पॉइंट पे तो हम आए नहीं, एक पॉइंट था बट रहा नहीं गया, तब करके आपको मैंने यहाँ का व्यू दिखाई दिया।